नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं मारो राजस्थान की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। बैंकों के हो रही निजी कारण के चलते दतिया में 50 बैंक कर्मचारियों ने दी दिवसीय हड़ताल के द्वारा सरकार के इस फैसले का विरोध जताया। बैंक कर्मचारियों ने बताया कि भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है, निजीकरण से समस्याएं खत्म ना होकर और बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में निजी कारण के माध्यम से सुविधाएं पहुंचाना मुश्किल होगा। देखिए क्या कुछ कहा बैंक कर्मचारियों ने टीएनआई आवाज के लिए। दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। सरकार द्वारा जो अभी निर्णय लिया गया है कि बैंकों का निजीकरण करेंगे और चार बैंकों का उन्होंने नाम भी घोषित कर दिया है कि चार बैंकों को निजीकरण करेंगे, तो इसी के विरोध में हम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की जो 9 यूनियंस है उसके बैनर पर हम आज और कल 2 दिन की हम हड़ताल कर रहे हैं। भारत सरकार के हम इस निर्णय का बहुत विरोध करते हैं कि भारतीय जो सरकारी बैंक है उनका निजीकरण किया जा रहा है, क्योंकि निजीकरण करना कोई इसका हल नहीं है। भारत का जो गांव प्रधान हमारा देश है, गांव में हमारे लोग रहते हैं, गांव गांव तक अगर शाखाएं पहुंचाना है तो सरकारी बैंक ही पहुंचा सकती है, प्राइवेट बैंक नहीं पहुंचा सकती है गांव गांव में बैंक की सुविधा। इसीलिए हम सब लोग कर्मचारी और अधिकारी यूनियन इकट्ठी होकर इसका विरोध कर रहे हैं और हम अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं वित्त मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से कि ये निजीकरण को रोक दिया जाए। ये जो बिल आया है इसको यहीं रोक दिया जाए। वो कौन से चार बैंक हैं जिनके लिए आए हैं ना? बैंक ऑफ इंडिया और 3 और बैंक हैं जिनको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चार बैंकों को करें। बजट में उन्होंने 2 बैंकों का नाम घोषित नहीं किया था, लेकिन अभी शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं बैंक, तो अब धीरे धीरे वो सभी सरकारी बैंकों को निजीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सर, SBI बैंक में आप कौन सी पोस्ट पर हैं? सर क्या नाम है? सहायक महाप्रबंधक के पद पर हूँ और भोपाल में पदस्थ हूँ, और यहाँ पे आज मैं यहाँ उपलब्ध था तो मैं यहाँ आज के इस आंदोलन में भाग ले रहा हूँ। क्या नाम है सर? मैं हरी सिंह गलोदिया, AGM भारतीय स्टेट बैंक। अगर ऐसा नहीं होता है, सरकार आपकी मांगे नहीं मानते हैं, तो क्या आपका? हम और आंदोलन करेंगे, आंदोलन को और उग्र करेंगे और जनता को भी इस आंदोलन में हम शरीक करेंगे, क्योंकि कुल मिला के जनता का पैसा ही स्टेट पर लगने वाला है। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। राजस्थान में पिछले साल जुलाई में सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय फोन टैप करने की बात सरकार ने मान ली है। सरकार ने विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि सक्षम स्तर से मंजूरी लेकर फोन टैप किए जाते हैं। नवंबर 2020 तक फोन टैप के सभी मामलों की मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा भी की जा चुकी। भाजपा विधायक कालीचरण सराफ के अगस्त में पूछे गए सवाल का गृह विभाग ने अब जवाब दिया। सवाल का जवाब राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर तो डाल दिया, लेकिन विधायक के पास लिखित रूप में नहीं पहुंचा है। हालांकि सरकार ने अपने जवाब में विधायकों या केंद्रीय मंत्रियों के फोन टैप करने जैसी कोई बात नहीं कही, लेकिन भाजपा विधायक के सवाल पूछने के वक्त इस जवाब को बागी विधायकों और केंद्रीय मंत्रियों के फोन टैपिंग से जुड़ा माना जा रहा है। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में, ओनली ऑन डेली हंट। जोधपुर बाड़मेर की सरहद पर कल्याणपुरा क्षेत्र के दुर्गापुरा में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें 4 एक ही परिवार के लोग थे, एक अन्य गंभीर घायल है। बालोत्रा में ब्याही अपनी बेटी के बेटा होने की खुशी में मिलने के लिए गए पति पत्नी बहू और पोता पोती के साथ आ रहे थे। ट्रोलर से कार टकराने के कारण उनकी मौत हो गई। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnialawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। जयपुर में बलात्कार केस की जांच के बहाने 30 साल की पीड़िता से असमत मांगने वाले ACP कैलाश बोहरा को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह विभाग में संयुक्त शासन सचिव रामनिवास मेहता ने सोमवार सुबह ऑफिस खोलने से पहले ही निलंबन आदेश जारी कर दिए।
निलंबन अवधि में कैलाश बोरा जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय से अटैच रहेंगे। मतलब ये है कि जेल से बाहर आने के बाद निलंबन अवधि में वह जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। राजस्थान के बारा में शनिवार रात एक दिल दहलाने वाली वारदात हुई। यहां नेशनल हाईवे 90 पर बाइक जा रहे पति पत्नी को 5 बदमाशों ने बंधक बना लिया, फिर खेत में ले जाकर महिला की साड़ी उतार कर उसी से उसके पति के हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद पति के सामने ही महिला से सामूहिक बलात्कार किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बदहवस हालात में पड़ी महिला को अस्पताल भेजा और पति के हाथ पैर खोले। बारा में हुई इस वारदात ने 2019 में अलवर के थाना गांजी में हुई गैंगरेप की काली यादें ताज़ा कर दी है। सनसनीखेज वारदात की सूचना पर रात को ही SP विनीत कुमार बंसल, SP विजय सावकर मौके पर पहुंचे। वहां मौजूद लोग बच्ची के साथ उसकी बहन व जीजा की तलाश में खेतों में जाकर आवाज लगाने लगे। तब तक पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। फिर आसपास के खेत में सघनता से तलाश करने पर महिला बदहवास हालत में पड़ी थी। वहीं उसके पति के हाथ पैर व मुंह बांधा हुआ था। तुरंत ही महिला को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक चैनल जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। झुंझुनू में रीमा कागती के निर्देशन में बन रही वेब सीरीज पोलेन की शूटिंग सोमवार को हवेलियों के लिए मशहूर मंडावा में हुई। इस दौरान शहर के कई हिस्सों में फिल्म के सीन शूट किए गए। इससे पहले रविवार को भी मुख्य बाजार स्थित होटल सिंहासन हवेली और वार्ड 5 में स्थित शाही पैलेस में शूटिंग की गई। इस सीरीज से डिजिटल मनोरंजन क्षेत्र में पहली बार कदम रखने वाली दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा पर कई दृश्य फिल्माए गए। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के रविवार को किए गए ट्वीट सियासी हलकों में चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। पूनिया के बाद थोड़ी ही देर में राजे ने भी ट्वीट किया। दोनों ही नेताओं ने इशारों में बहुत कुछ कह दिया। सबसे पहले सतीश पूनिया ने लिखा, चुनौतियां ही जीवन को रोमांचक बनाती है और इसी से आपके जीवन के महत्व का निर्माण होता है। इसके 52 घंटे बाद ही राजे ने ट्वीट किया, सफल वही होता है जो बार बार मिल रही असफलताओं के बावजूद प्रयास बंद नहीं करता। एक चैनल जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। देश के दो बड़े सार्वजनिक बैंकों का निजीकरण करने के विरोध में आज पूरे देश बैंक कर्मचारी हड़ताल पर है। राजस्थान की बात करें तो आज पूरे राज्य में 8200 ब्रांचों में काम पूरी तरह ठप रहा। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 10 अन्य बैंक यूनियनों ने इसका विरोध किया। जयपुर में अम्बेडकर सर्कल के पास LIC भवन में सभी यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने विरोध किया, जिसमें महिला बैंक कर्मचारी भी शामिल हुई। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बैंकों के निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग की। यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि आज केंद्र सरकार बैंकों का निजीकरण करके बड़े कॉरपोरेट समूह को लाभ पहुंचाना चाहती है, जबकि सार्वजनिक बैंक आम जनता की सहूलियत के लिए संचालित होते हैं। हमें पता है आपको क्या चाहिए, अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट।
राजधानी जयपुर में महिला अत्याचार रोकथाम यूनिट के प्रभारी एसीपी कैलाश भोरा के पीड़िता से रिश्वत के बदले अस्मत मांगने का मामला विधानसभा में गूंजा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शटगन प्रस्ताव के जरिए मामला उठाते हुए कहा कि कल खाकी वर्दी शर्मसार हुई है। जयपुर कमिश्नरेट में महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए बनी यूनिट के प्रभारी ने ही महिला से रिश्वत के बदले अस्मत मांग ली। एक पीड़िता जिसने जुलाई में FIR करवाई, ACP कैलाश भोरा 5 महीने तक पीड़िता से रिश्वत लेता रहा। संवेदनहीनता की हद देखिए। पीड़िता की सैलरी 16,000 रुपए महीना थी और वह हर महीने 10,000 रुपए रिश्वत में दे रही थी। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। जयपुर में चीन पायलट समर्थक 3 विधायकों के विधानसभा में SC ST और माइनॉरिटी के विधायकों को बिना माइक की सीटें देकर आवाज दबाने के आरोप के बाद सियासत गरमाई हुई है। पायलट समर्थक रमेश मीना, मुरारी मीना और वेद प्रकाश सोलंकी अब भी मुखर होकर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। विवाद को उठे 5 दिन भले हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री और उनका खेमा इसे तवज्जो नहीं देने का रणनीति पर चल रहे हैं। फिलहाल विधानसभा की बैठने की व्यवस्था की जस की तस है। विधानसभा का बजट सत्र की अब करीब 7 बैठकें और होनी है। ऐसे में चलते सत्र में सदन में बैठने की व्यवस्था में बदलाव होना मुश्किल है। फिलहाल महरो राजस्थान में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।